हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल एंड यू आर वाचिंग एकेडी टेक्निकल। आज की जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली नोवा 7i के बारे में है। किसको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, किसको नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो आप एंड तक देखना, सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। सबसे पहले आते हैं नोवा 7i के फ़ीचर्स के बारे में, क्या क्या ये फ़ोन आपको प्रोवाइड कर रहा है 43,000 के प्राइस टैग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप के सब्सक्राइब का आपको कहना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर दी बेस्ट ऑडियंस ऑफ दिस चैनल। आप मेरी फैमिली की तरह हो, मुझे पता है, बोलने के बगैर ही आप सब्सक्राइब कर ही दोगे। नोवा 7i में आपको दे रखा है कीरिन 810 का एक पावरफुल चिपसेट जो कि 7 नैनोमीटर वाला है। सो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो गेम्स वगैरह स्ट्रीम करते हैं या जो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि सिर्फ 30 मिनट में आपके फ़ोन को 70% तक चार्ज कर देगा। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस फ़ोन की, क्योंकि कोई ऐसा फ़ोन नहीं है 80,000 तक भी, 80,000 के प्राइस टैग में भी कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जो आपको 40 वॉट प्रोवाइड करे। सो ये भी एक खास रीज़न बन जाता है। इसके अंदर आपको बैक कैमरा में 4K तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन कोई EIS की सपोर्ट नहीं है। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक है इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ पर जायरो सेंसर भी नहीं है, तो जो गेमर हैं और जो जायरो यूज़ करते हैं तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो गेमर्स हैं और जायरो यूज़ नहीं करते उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे रखा है जो कि एक कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं, हर किसी की अपनी चॉइस है। मुझे तो साइड माउंटेड पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। इस फ़ोन में कोई 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वगैरह का चक्कर नहीं है। इसका सिंपल मतलब यह है कि जो 90 हर्ट्ज़ वाले डिस्प्ले होते हैं वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये उससे कम करेगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो ये बात हो गई कुछ फ़ीचर्स की। अब आते हैं क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। पहले मैं बात करूँ तो ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज़ अच्छी खासी कैमरा, 48 मेगापिक्सल विथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। डिज़ाइन वाइज, बिल्ड वाइज ये प्लास्टिक बैक है, ये थोड़ा सा है चक्कर, लेकिन खैर, ऑल दो कोई कंपनी रेडमी को छोड़ के बाकी सारी प्लास्टिक ही दे रही हैं, तो इससे ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल है, बिकॉज जिसको इनसेन गेमिंग करनी है, जो कि गेमिंग बहुत ज़्यादा करना चाह रहा है, वो ये फ़ोन ले सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही तेज़ फ़ोन है जो 30 मिनट में आपके फ़ोन की बैटरी फुल 70 तक चार्ज कर देता है। तो 30 मिनट आप चार्ज करके ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे कंटिन्यूसली गेमिंग कर सकते हो। थोड़ी बहुत लेग आएगी लेकिन वो नॉर्मल है। ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730 से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें आप गेमिंग नो डाउट काफ़ी अच्छी कर सकते हो। तो वैल्यू फॉर मनी ये है, आइदर इसकी कैमरा ले लो, इसकी बैटरी टाइमिंग ले लो, इसकी गेमिंग ले लो, तो ओवरऑल हर चीज़ के मुकाबले में कंप्लीट पैकेज है। प्राइसिंग भी इनसेन की गई है, 43,000 इज़ बीस्ट। बट एक मसला आएगा, वो है गूगल सर्विसेज का। अगर गूगल सर्विसेज होती तो ये 100% वैल्यू फॉर मनी होता, लेकिन हुआवे एंड गूगल के कुछ मसले चल रहे हैं तो उसमें हम इन नहीं होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3, अब ये वो पॉइंट है कि किन लोगों को हुआवे नोवा 7i बाय नहीं करना चाहिए। उन लोगों को बाय नहीं करना चाहिए जो कि मोबाइल में यूट्यूब ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एडिक्टेड हैं, जो गूगल की ऐप यूज़ करते हैं सर्चिंग वगैरह के लिए, जो ड्राइव यूज़ करते हैं, या गूगल की वीडियो कॉल जो कि डुओ है वो यूज़ करते हैं, या गूगल की मैप्स वगैरह ये चीज़ें, या ऑल दो बिज़नेस वाला बंदा है जो कि जीमेल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसे ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए जो गूगल सर्विसेज के बगैर रह ही नहीं सकता। जिससे मतलब पता ही नहीं कि अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ही नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कोई ऐसा बंदा है। तो काफ़ी सारे ट्रिकी लोग होते हैं जिनको पता होता है इन चीज़ों से कैसे लड़ना है, उसका भी मैं आपको बताऊँगा 4th पॉइंट में, लेकिन इसको क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है ना वो गूगल सर्विसेज एक्सटर्नली इंस्टॉल करके उसमें यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मसला ज़रूर है, वो है सिक्योरिटी का। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू गूगल सर्विसेज इंस्टॉल भी करते हो ना, तो उसमें एक मसला कॉमन है, वो ये है कि मुझे पता है कि मैंने ये ट्रिक बताई हुई कि इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर मसला भी बहुत बड़ा आ सकता है, क्योंकि
जिस डेवलपर की ऐप के थ्रू हम गूगल सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमारी डेटा चोरी कर सकता है, और उसमें चाइनीज़ भी यूज़ की गई है। ये मैंने बात वीडियो में कवर की थी कि चाइनीज़ भाषा है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो हम उसे परमिशंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो काफ़ी लोगों ने उसे यूज़ किया, लेकिन अब वो ट्रिक एक्सपायर हो चुकी है, कुछ फ़ोन्स में काम कर रही है, एक दो में कुछ में नहीं काम कर रही। सो मैं ये कहूँगा बस आप भूल जाओ कि आपके फ़ोन में जीमेल है, ड्राइव है, डुओ है, या प्ले स्टोर है, या गूगल प्ले गेम्स हैं। ये सब चीज़ें आपको कम्प्लीटली भूलना पड़ेगा कि हमारे फ़ोन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, वी डोंट हैव टू यूज़ दिस। अगर इसके बगैर हमें कोई फ़ोन पकड़ा दे और हम चला लें विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी झिझक वगैरह या कोई मसला वगैरह फेस करने के बगैर, तो ये थी कुछ पॉइंट्स जिन लोगों को, अगर कोई किसी को मसला आता है कि यार गूगल प्ले स्टोर ही नहीं है, मैं ऐप्स कहाँ से इंस्टॉल करूँ, यार मैं मैसेंजर कहाँ से इंस्टॉल करूँ, मैं फेसबुक कहाँ से लाऊँ, जो ये बंदा है उसे ये फ़ोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं नंबर फोर पॉइंट, ये है किसको बाय करना चाहिए नोवा 7 आई। तो उसे लेना चाहिए जिसे सारा कुछ पता हो, जैसे कि हम थर्ड पार्टी ऐप, जैसे मैंने एपीके प्योर बताया था, उसके थ्रू आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में और आप चला भी सकते हो। अब उस ऐप को परमिशंस क्या देनी है, दैट इज़ द पॉइंट। मिसाल एक गेम है, उसमें आपको जो है ना कोई फ़ोटो यूज़ नहीं है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं है, तो आप उसको अलो कर रहे हो, अलो गेम टू फ़ोन कॉल, अलो गेम टू यूज़ योर मीडिया फाइल्स, तो ये आपको डेनाई करना है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही जो है ना हमारी डेटा चोरी होती है। प्ले स्टोर पे एक सर्विस होती है प्ले प्रोटेक्ट। प्ले प्रोटेक्ट क्या करता है कि जो ऐप्स ऐसे होती हैं जिनकी मतलब कोई परमिशंस मीडिया फाइल्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई गेम है सबवे सफ़र ले लो, उसका मीडिया फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर वो अलो कर रहा है तो प्ले प्रोटेक्ट हमें बताता है कि ये चीज़ गलत है, ये ऐप जो है ना वो नुकसानकार है हमारे फ़ोन के लिए। तो लेकिन अगर हमारे फ़ोन में गूगल सर्विसेज यानी कि GMS गूगल मोबाइल सर्विसेज ही नहीं है, तो हमें बताएगा कौन के कौन सी ऐप्स गलत हैं, तो वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सी ऐप सही है कौन सी गलत है, किस फ़ोन को किस ऐप को हमें परमिशंस देनी चाहिए, किस ऐप को नहीं देनी चाहिए। अब दूसरी बात तो यही चीज़ें होगी, जिस बंदे को यूट्यूब क्रोम में चलाना आता है, जीमेल क्रोम में एडजस्ट वो कर सकता है, बाकी मैप्स का मसला आएगा, क्योंकि जो यूबर करीम यूज़ करते हैं उनके लिए मैप्स का मसला आएगा। तो मैप्स आप एक्सटर्नली भी कोई मैप्स की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, सो मैप्स का भी मसला हल हो जाएगा, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जायरो एक बड़ा मसला है, बस इन बंदों को जायरो से मसला नहीं है। जो बंदा क्रोम में यूट्यूब चला लेता है, जीमेल एडजस्ट कर देता है, अपने ईमेल्स हर चीज़ क्रोम या दूसरे ब्राउज़र में एडजस्ट कर सकता है, तो उसके लिए कोई ये बड़ा मैटर नहीं है, वो सारे मसले हल कर सकता है। तो यूट्यूब आप देख सकते हो क्रोम में, जीमेल आप चला सकते हो क्रोम में, बाकी मसला आएगा ऐप्स आपको कहाँ से लानी है, ऐप्स आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये मेरा 5 पॉइंट, और ये 5 सबसे ज़्यादा बोनस है, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बताएगा पूरे यूट्यूब में, शायद कोई बता दे तो उसको भी फॉलो कर देना, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च है कोई नहीं बता रहा। सीधी सी पॉइंट है लेकिन बड़ी ही यूज़फुल पॉइंट है, वो ये है कि आपके घर में या आपके भाई के पास या बहन के पास या फादर या मदर किसी ना किसी के पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल होगा, आप क्या करो जो कि लेटेस्ट हो, एंड्रॉयड 10 वाला हो, उस एंड्रॉयड 10 वाले फ़ोन में आप ऐप्स इंस्टॉल करो जो आपको पसंद है, एज इट इज़ पबजी वगैरह, वो आप ज़प्या के थ्रू नोवा 7i में ट्रांसफ़र कर लो। तो उससे क्या है कि प्ले स्टोर वाले सेम टू सेम ऐप्स आपको उसमें मिल जाएंगे, कोई परेशानी कोई मसला वगैरह नहीं है। तो इट इज़ अ बीट्स भाई, देख लो आपके फ़ोन में गूगल मोबाइल सर्विसेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वाईफाई काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिम नहीं चलेगी या डेटा कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट तो है। गूगल मोबाइल सर्विसेज भले ही नहीं है लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो, ब्लूटूथ वाईफाई इनसे आप बहुत सारी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आपको सेकेंडरी फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप थर्ड पर्सन के पास जाते हो, जैसे कि मेरा दोस्त आ गया, मैंने उसको कहा भाई ये है नोवा 7i, इसकी कैमरा अच्छी है, गेमिंग अच्छी है, ये है वो है, और वो आपको छेड़ता है भाई आपके मोबाइल में तो गूगल मोबाइल सर्विसेज ही नहीं है, प्ले स्टोर ही नहीं है, आपका मोबाइल तो अनसिक्योर है, हैक हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट आपको
केयर करनी पड़ेगी। जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं ना एपी के प्योर, वो फुली ट्रस्टेड नहीं है। अगर वो फुली ट्रस्टेड होते तो आज उनकी जगह प्ले स्टोर में होती। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा आपका, आपके लिए एक फिफ्थ जो कि बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि दूसरे का फ़ोन लो, उससे ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से या किसी भी तरीके से, वो आप अपने फ़ोन में नोवा 7i में ज़ेप्या के थ्रू ट्रांसफ़र कर लो। सो दीज आर माय बेस्ट ऑप्शंस अबाउट नोवा 7i। सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में यूज़ करो #AKTheTechnical। हर किसी को रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन।